खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के सामने पवन सिंह को किसने कहा वो घमंडी हो गया है और मेरी इज्जत खेसारी लाल यादव ने बचाई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपको तो याद होगा कि खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह का लारी वाला स्टेज शो जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ, तकरीबन 3 साल बाद वो एक दूसरे के साथ है और इस स्टेज शो ने मानो सोशल मीडिया पर एक आंधी सी चला दी। सभी ने इस स्टेज शो को भर भर के लाइक्स दिए और सभी ने खेसारी और अक्षरा को साथ आने पर बधाई भी दी। लेकिन जितना ही ये स्टेज शो पॉपुलर रहा, अब धीरे धीरे कंट्रोवर्सी में भी घिरता जा रहा है। हाल ही में अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव के इस स्टेज शो को ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजर अमरेंद्र मुखिया ने भरी सभा में सभी के सामने पवन सिंह को घमंडी और बातों पे न कायम रहने वाला एक्टर बताया और कहा कि खेसारी लाल यादव ने उनकी इज्जत बचाई है और ये स्टेज शो करने का वो पैसा तक नहीं डिमांड किए हैं। आपको बता दे कि इस स्टेज शो के लिए पहले पवन सिंह और अक्षरा सिंह के लिए ये स्टेज शो ऑर्गेनाइज होना था, लेकिन पवन और अक्षरा के विवाद के चलते पवन ने इस स्टेज शो से अपना हाथ खींच लिया, इसलिए शो के ऑर्गेनाइजर खेसारी के पास गए। जैसे ही वो खेसारी के पास गए, झट से खेसारी ने ये मौका लपक लिया और ये स्टेज शो करने के लिए तैयार हो गए अक्षरा सिंह के साथ। तो वैसे ही आजकल खेसारी लाल यादव की चर्चाएं खूब हो रही हैं, उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है। तो मौके पे चौका मारने के लिए खेसारी लाल यादव ऐसे ही जाने नहीं जाते। आपको तो पता ही है लव यू बलम जी में इन दोनों का आइटम सॉन्ग काफी पसंद किया गया था। इस स्टेज शो के ठीक 1-2 दिन पहले ही बलम जी लव यू रिलीज हुई थी। एक साथ 2 काम हो गए, फिल्म का प्रमोशन भी हो गया और अक्षरा सिंह के साथ स्टेज शो भी हो गया। लेकिन अब ये स्टेज शो धीरे धीरे ही सही लेकिन कंट्रोवर्सी का जड़ बनता जा रहा है और इसे साफ जाहिर होता है कि पवन और खेसारी भले ही दिखाएं कि वो लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन इसे साफ जाहिर होता है कि इन दोनों के बीच की दोस्ती एक दिखावा मात्र से ज्यादा कुछ नहीं है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।